हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वंस अगेन तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 1.9 1.8 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है एक्टिविटी है. है क्या देख लेते हैं uh, तीन लेना है और उसको सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर लेना है टेक टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी टू टेस्ट ट्यूब लेना है ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब अबाउट टेन मिली लीटर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सब में क्या लेना है टेन मिली लीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ले लेना है टाइट टू आयरन नेल्स विद्रेड एंड इमर्स दम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब दोनों को बांध लेना है दोनों नेल्स को और उसको इमर्स करना है उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट यू बी फॉर अबाउट 20 साइड में रखे हैं इसलिए क्योंकि उससे कंपेयर करना है आयरन नेल्फेट सोल्यूशन सी यू एसओ फोर सोल्यूशन में जो दिया हुआ था जो आयरन हम लोग लटकाए थे बांध के उसको अब बाहर करना है बीस मिनट तक बीस मिनट के बाद ठीक है कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्टिव एंड बी अब इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर हम लोग को चेक करना है कि कितना मतलब क्या चेंजेस आया है इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा कितना कम ठीक है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिब्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द वन के पसाइड और उसके बाद फिर हमको ये भी चेक करना है कि जो आयरन नेल हम जो अंदर डाले थे ठीक है ना टेस्ट ट्यूब में डाले थे उससे और बाहर में जो अलग से रखे थे उससे कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर चेंजेस क्या हुआ

रीमेंड सस्पेंडेड कोटिंग ऑन इट सर्फिस अब निकाल के जैसे ही जो पहले जो रखा हुआ था साइड से एक्स्ट्रा जो रखे हुए थे हम लोग उससे जैसे ही मिलाते हैं कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि जो डाल के जो रखे हुए थे उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में वो ब्राउनिश कलर का हो गया और पहले वाला तो जैसा ही है जैसा था वैसा ही है मतलब ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ वी ऑल्सो फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड एंड चेंज टू लाइट ग्रीन कलर और फिर हम ये भी देखें कि जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो धीरे धीरे लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो गया इज डिफरेंट फ्रॉम द द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब ए ठीक है जो कि डिफरेंट था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से क्लियर हो गया इतना तो समझ में आ गया कि क्या चेंजेस हुआ है तो ध्यान में रखना होगा क्या क्या इसमें अगर हम लोग देखें कि क्या चेंजेस आया तो ब्राउनिश कोटिंग हो गया ठीक है ब्राउनिश कोटिंग कौन आ गया भाई ठीक है ब्राउनिश कोटिंग हो गया ये तो समझ में आ गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये चीज देखे लिए अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए रखा हुआ और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बी है हमको कंपेयर भी तो करना था ना कॉपर से देखो आयरन को तो हम लोग कंपेयर कर चुके हैं कि एक ब्राउनिश कलर का हो गया जो पहले वाले से बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया पहला वाला एकदम नॉर्मल था ये वाला बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया ब्राउनिश कलर का हो गया अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जो रिएक्शन के बाद जो कलर जो था अब वो चेंज हो पहले जो कलर जो था अब वो चेंज होकर क्या हो गया लाइट ग्रीन हो गया ठीक है एफ ई एस रिएक्शन देख लेते हैं आयरन हो गया कॉपर सल्फेट एफ आयरन सल्फेट बन गया और एस यानी कि सॉलिड अलग हो गया कॉपर इन द रिएक्शन आयरन कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन डिस्प्लेस किया किसको कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कंक्लूजन ठीक है दिस एक्टिविटी शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाई आयरन ये एक्टिविटी ये बताता है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका कॉपर का फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ आयरन ठीक है है तो ध्यान रखना इसमें एक कलर आया है ब्राउनिश वाला ब्राउनिश कोटिंग ठीक है ना जो आयरन नेल पर चढ़ा और एक हुआ जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए रखे थे और टेस्ट ट्यूब बी रिएक्शन जो हुआ था रिएक्शन मिक्सचर के बाद देखिए ये ब्लू था और ये लाइट ग्रीन हो गया क्लियर है तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी भी क्लियर पता चल गया होगा कि क्या क्या हुआ है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय